तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ डेंसो हॉल लाइट हाउस और वहाँ पे लेंगे कुछ लाइटें वगैरह, तो मेरे साथ रहिएगा। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, पूरा व्लॉग देखिएगा। और चलते हैं लाइट हाउस और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या मिलता है वहाँ से। तो यहाँ पे तो रोड बिल्कुल साफ है, लेकिन आगे चल के जो ना बिल्कुल ही रोड बिल्कुल ही ट्रैफिक जाम होगा। और चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमें ट्रैफिक जो है ना कहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ज़बरदस्त लोकेशन आ रही है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं लाइट हाउस डेंसो हॉल पे और अभी अंदर चलेंगे और अंदर देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने लाइट हाउस के बिल्कुल यही लोकेशन है। आप यहाँ पे आएँ और बिल्कुल इसके सामने मार्केट है। तो अभी हम मार्केट में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही ज़बरदस्त लाइट्स वगैरह पड़ी हुई हैं और हर किस्म की लाइटिंग वगैरह, बोर्ड, स्विच बोर्ड, हर चीज़ पड़ी हुई है और बहुत ही कम दामों में यहाँ पर अवेलेबल है हर चीज़। तो दोस्तों यहाँ पे तार वगैरह भी अवेलेबल है, पूरा बड़ा मार्केट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर किस्म की लाइटिंग वगैरह अवेलेबल है। और यहाँ पे अभी मैं एक शॉप पे मौजूद हूँ, यहाँ पे हम खरीदेंगे लाइटें वगैरह और स्विच बोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे मेरे बैकग्राउंड पर पूरी लाइटिंग वगैरह लगी हुई, पूरा सेटअप है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये पूरा मार्केट है माशाल्लाह, पूरी हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और बिल्कुल सस्ते दाम में। यहाँ पर एक दफ़ा आप ज़रूर विज़िट करें। और आप ये देख सकते हैं कि बटन वगैरह जो घर में होते हैं वो इस तरीके के भी अवेलेबल हैं और सस्ते दामों में 100, 150, 200, 300, 400 और 500 तक अवेलेबल हैं। तो दोस्तों होल्डर वगैरह के लिए, बल्ब लगाने के लिए ये देख सकते हैं आपके कितने खूबसूरत डिजाइन्स पड़े हुए हैं, तो ये भी आप लगा के अपने घर में चार चांद लगा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किस्म की लाइटिंग अवेलेबल है, एलईडी लाइट हैं और जो फोर सीलिंग में लाइटें लगती हैं वो अवेलेबल हैं, बोर्ड्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे मल्टी किस्म की लाइटें, रोल्स वगैरह वो भी अवेलेबल हैं जो इफ़ेक्ट देने के लिए। और यहाँ पे राड्स वगैरह जो होती हैं वो भी अवेलेबल है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा मार्केट है, ज़बरदस्त मार्केट है। एक दफ़ा यहाँ पर आप आके विज़िट ज़रूर करें और यहाँ पर आपको बिल्कुल कम दाम में हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लेना चाह रहे हैं तो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का समय और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से हम कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं और इसके बाद फिर क्योंकि चीज़ परचेज़ करके हमें फिर वापस भी जाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है, हर चीज़ अवेलेबल है, चाहे आप कहाँ से भी आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से जो है ना यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत ही कम दामों में मिलेगा आपको। दोस्तों ये होलसेल मार्केट है और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सामान जाता है और यहाँ से बिल्कुल कम दामों में जाता है। फिर आप कितने भी आप अगर दुकान शॉप खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ से लेके जाएं और वहाँ पे अपनी शॉप वगैरह खोलें। और ये भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, ये भी एक बिज़नेस है। तो लाइटिंग वगैरह स्विच बोर्ड की तो हर जगह ज़रूरत है। यहाँ पर सोलर सिस्टम की लाइटें भी मिलती हैं और आप अगर विलेज में रहते हैं तो यहाँ से सोलर सिस्टम वगैरह लेके आप वहाँ पर बेच सकते हैं और सुकून से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, ज़बरदस्त है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है, हर चीज़ लाइटें लाइटें नज़र आ रही है। और ये एलईडी लाइट है, हमें ये भी लेनी थी और ये भी हम चेक करें। और इसके बाद अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या हमने परचेज़ की कर लिया है और अभी बिल वगैरह बनवाते हैं और फिर वापस चलते हैं उस दुकान पर। तो दोस्तों हमने परचेजिंग कर ली है, जो चीज़ हमें लेनी थी बोर्ड वगैरह स्विच बोर्ड लेने थे वो हमने ले ली हैं और बिल्कुल बिल बनवा दिया है। और ये बिल है और ये हमने परचेजिंग के लिए बिल बनवा दिया है और अभी चलते हैं वापस और वहाँ पे देखते हैं कि क्या लोकेशन है और क्या सिस्टम है। तो अभी 5-10 मिनट लगेंगे और पेमेंट करते हैं इनको और चलते हैं वापस। तो दोस्तों एक दफ़ा यहाँ पे चक्कर ज़रूर लगे, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है। और इसके साथ साथ मुझे एक बॉन्ड भी मिला है जो दोस्त का है मेरे, ये भी कैश कराना है। तो बिल्कुल यहाँ से बराबर में ही बॉन्ड कैश होते हैं तो वहाँ पर चल के बॉन्ड भी कैश करवाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे बोंड वाले के पास हम पहुँच चुके हैं और कैश करवाते हैं बोंड और चलते हैं वापस और देखते हैं फिर आगे का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों हम हबी बैंक की तरफ वाले रोड से जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। अभी टाइम हो गया है और हमने परचेजिंग जो करनी थी वो कर ली है और अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपको दिखाने जा रहे हैं हम खूबसूरत बिल्डिंग्स। तो रास्ते में पूरी बिल्डिंग्स देखिएगा कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो ये पूरा ब्लॉग देखिएगा और एंड तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही हैं और बहुत ही कलरफुल डिज़ाइन से बनी हुई है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, पूरी बिल्डिंग्स वगैरह देखिएगा। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत बनी हुई है, कितना खूबसूरत रोड बना हुआ है और बहुत ही लोकेशन आ रही है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मंजर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक मोबाइल मार्केट है और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है। यहाँ पे आपको कोई किसी भी किस्म का मोबाइल चाहिए तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ओप्पो, वीवो, नोकिया, कोई भी किस्म का मोबाइल हो आप यहाँ से ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी हम वापस जा रहे हैं और तकरीबन हमें आधा घंटे से पौना घंटा लगेगा वापसी पहुँचने में। तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों हम मौजूद हैं तीन हट्टी वाले रोड पे और यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक जाम है। आप देख सकते हैं कि कितनी रश है और कितनी बाइकिंग वगैरह लोग फंसे हुए हैं और हम भी फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक जाम है यहाँ पे और किस तरीके से सफ़र हो रहा है। तो दोस्तों लालू खेत के मकाम पे भी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत ही जाम है और बहुत ही रश लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दोस्तों आज का व्लॉग आपने देखा कि हम डेंसो हॉल लाइट हाउस पे गए और क्योंकि हम नाजमाबाद वाले रोड से गए थे, अभी हम वापस जो मुड़े हैं ये आयशा मंजिल वाला रोड है, लालू खेत वाला रोड है। तो अभी हम यहाँ से मुड़े हैं क्योंकि वहाँ पे खुला रोड था और बहुत ही ज़बरदस्त था और यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड रोड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा है और यहाँ पे वापसी पे हमें ट्रैफिक भी बहुत मिला, आपने खुद देखा। और वहाँ पे जब हम वहाँ से जा रहे थे नाजमाबाद वाले रोड से तो वहाँ पे ट्रैफिक भी कम था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।